स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे ऑयल फ्री चिप्स और स्नैक्स। चिप्स और स्नैक्स को मैंने रोस्ट करके बनाया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऑयल फ्री चिप्स और स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में नमक गर्म कर लेते हैं। इस नमक को मैंने पहले भी कई बार बेकिंग के लिए यूज किया है। नमक को 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गर्म कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जब नमक से आवाज आने लगे तो थोड़ी सी चिप्स डाल देंगे। चिप्स को लगातार चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद चिप्स रोस्ट हो गए हैं। चिप्स को प्लेट में निकाल लेते हैं। चिप्स का एक्स्ट्रा नमक हम इस तरह से छलनी में से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए चिप्स भी निकाल लेते हैं। चिप्स निकालने के बाद दूसरा स्नैक्स डाल देते हैं। इसको भी लगातार चलाते रहेंगे। स्नैक्स को रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, 1-2 मिनट में ही। 2-3 मिनट के बाद स्नैक्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा नमक निकाल देंगे, उसके बाद प्लेट में रख देंगे। कलरफुल स्नैक्स डाल देते हैं। बच्चों को ये कलरफुल स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को। इसको भी इसी तरह से रोस्ट करते हुए बनाएंगे। आप देख सकते हैं कलरफुल स्नैक्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से बाकी के स्नैक्स निकाले हैं, नमक निकाल कर। चकोर शेप वाले स्नैक्स भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। इनको भी इसी तरह से रोस्ट करते हुए बनाएंगे। अलग अलग स्नैक्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह से हम सभी तरह के स्नैक्स को रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट हो चुके हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। चकोर शेप वाला स्नैक्स भी हमारा बनकर तैयार है। फिश शेप वाली स्नैक्स को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। चिप्स और स्नैक्स को रोस्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो धूप में अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए, उनमें नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर उनमें नमी होगी तो वो अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो पाएंगे। ये वाली स्नैक्स भी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं ये मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। मूंगफली के दानों को ज़्यादा देर नहीं रखना है, 1-2 मिनट के बाद ही निकाल लेंगे। जिस तरह से मूंगफली और बाकी के स्नैक्स मैंने रोस्ट किए हैं, ठीक उसी तरह से हम पॉपकॉर्न और चने भी रोस्ट कर सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद जब मूंगफली के छिलकों में क्रैक नज़र आने लगे तो समझ लेना मूंगफली भुन चुकी है, प्लेट में निकाल लेंगे। चिप्स और बाकी के स्नैक्स को रोस्ट करने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।